आज हम हिंदी विषय में आठवां ससंदर्भ स्पष्टीकरण देखेंगे। वे चीख रहे हैं, सीटी मार रहे हैं और बिना रुके भाग रही है, एक छोर से दूसरी छोर तक। उनकी पुष्ट टांगे चमक रही है नृत्य की लयबद्ध गति के साथ, और लड़कियां है कि निर्दुद्ध निश्चित है, बिना यह सोचे कि मुंह दिखाई की रस्म करते समय सास क्या सोचेगी। इस तरह से हॉकी खेलती लड़कियां इस कविता में या इस कविता की पंक्तियों का हम संदर्भ स्पष्टीकरण करेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत अवतरण कात्यायनी द्वारा लिखित हॉकी खेलती लड़कियां। इस कविता में उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत कविता में मैं तो इसमें उन्होंने कवयित्री कहती है कि लड़कियां दिन भर हॉकी खेलती है। ये हॉकी का खेल लड़कियों को अच्छा लगता है, वे अपने खेल में मग्न हैं। घर उन्हें देखने आए वर पक्ष के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात के कोई सरोकार या कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि वो अपने खेल का लुत्फ़ तो उठा रही है, आनंद उठा रही है। वे स्वाधीनता चाहती है, लेकिन तभी शाम होते ही और रेफरी सीटी बजाते हैं। रेफरी की सीटी बजते ही वे किसी भीषण जंग की तैयारी की तरह हाथ में हॉकी स्टिक लिए मैदान में उतर आती है और घर लौटती है। कवयित्री कहती है कि यदि वे शाम को घर लौटकर नहीं आई तो समझ रुक जाएगा, पितृसत्ताक समाज का वज्रपात होगा, चक्रवात आ जाएगा। उन्हें देखने घर पर आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते हुए जाएंगे। बाबूजी जो अब तक चुपचाप बैठे थे सीधे मैदान में गरजते हुए घुस आएंगे, और भाई जो चौराहे पर घूम घूम कर उनकी राह तक रहा है झोट पकड़ कर घसीट कर वो उन्हें घर ले जाएगा। यहाँ तक कि अम्मा भी उन्हें पैदा करने की घड़ी को कोसेगी, और जब स्त्री स्वाधीनता चाहती है तब उसे समाज के और अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले ही उसे कोसते हैं। इतना ही काफ़ी नहीं होता तो माँ जो खुद स्त्री है वह भी अपनी ही बेटी अर्थात स्त्री को कोसती है। इसका विशेष तो हम यही है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवयित्री ने स्त्री की वास्तविक कथा को बताया गया है कि किस तरह से उनका जीवन होता है। उन्होंने दसवें इसमें कहा है कि अगर ऐसा न हो तो समय रुक जाएगा, इंद्र मरुण वरुण सब कुंपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा, घर पर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे, बाबूजी घूम आएंगे गरजे हुए मैदान में, भाई दौड़ता हुआ आएगा और चोट पकड़ के घसीट के ले जाएगा, अम्मा कोसेगी इसी घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलक्षरी बेटी को। इस तरह से इस कविता के ये जो स्पष्टीकरण हमने पढ़ा है वो उसका स्पष्टीकरण है। उसमें दसवां और आखिरी है, बाबूजी चीखेंगे सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है, घर फिर एक अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे, लड़कियां घूरेगी अंधेरे में खटिया पर चित्त लेटी हुई, अम्मा की लंबी सांसें सुनती इंतजार करती हुई कि अभी वे आकर उनका सिर सहलाएगी, सो जाएगी लड़कियां, सपने में दौड़ते हुए बॉल के पीछे स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएगी और गोल गोल चिल्लाते हुए एक दूसरे को चुभते हुए लिपट कर धरती पर गिर जाएगी। इसका सहसंदर्भ है प्रस्तुत अवतरण कात्यायनी द्वारा लिखित है हॉकी खेलती हुई लड़कियाँ कविता से उद्धृत है। स्पष्टीकरण में प्रस्तुत कविता द्वारा पितृसत्ताक समाज के दमन के आतंक में पनपते श्री जीवन का यथार्थ चित्र यहाँ पे किया गया है। यदि शाम को लड़कियाँ घर नहीं लौटेगी तो बाबूजी अम्मा पर चीखेंगे, वे अम्मा से कहेंगे कि लड़कियों को तुमने ही बिगाड़ा है, इसके बाद घर किसे अंधेरे में डूब जाएगा और लड़कियां बाबूजी की डांट खाकर चुपचाप सो जाएगी, और अंधेरी खटिया में चित्त लेटी हुई वे अम्मा की लंबी सांसें सुनती हुई इंतजार करेगी कि कब अम्मा आकर उनको सहलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अम्मा इंतजार करते हुए वो सो जाती है।
सपने वे मैदान पर आती है और अधूरा रहा हुआ जो हॉकी का खेल है वो सपनों में पूरा करती है। वे सपने में बॉल के पीछे दौड़ती है, स्टिक हाथों में साधे हुए पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक पहुंच जाती है, गोल गोल करके जोरों से चिल्लाती है, एक दूसरे को झपटती है, चूमती है। अर्थात लाख विरोध होने के बावजूद भी अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वतंत्रता को वो जीना चाहती है। वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो स्वप्न के रूप में, सपनों में वो जीना चाहती है। वे पितृसत्ताक समाज के दमन के आतंक के समाप्त करने करके खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उनको जीवन में ये सब कुछ बंधन तोड़कर खुले आसमान में खुली जिंदगी जीने की इच्छा है। इसका विशेष है उपयुक्त पंक्तियाँ कवयित्री ने नारी की स्वाधीनता की इच्छा को दर्शाया है। इस तरह से हॉकी खेलती हुई लड़कियाँ इस कविता के स्वाध्याय कृति से संदर्भ से स्पष्टीकरण यहाँ पे समाप्त होता है। ये पूरी कविता आप आपके हिंदी के जो पुस्तक है उससे अच्छे से पढ़िए, इसकी स्वाध्याय कृति का अध्ययन कीजिए या अच्छे से पढ़िए और आपके हिंदी की कापी में इसके प्रश्न उत्तर पूरे लिखिए। धन्यवाद।